इलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रिक स्कूटर भारतीय बाजार में आ चुके हैं और यहाँ पर आप ये जो दो स्कूटर देख रहे हैं ये है LXS G 2.0 और ये है LXS G 3.0। ये फिलहाल लॉन्च नहीं हुआ है, लॉन्च ये हो चुका है। इसकी कीमत कंपनी ने रखी है 1,03,000 रुपये। हालांकि अगर आप अगस्त से पहले पहले इसे खरीदते हैं तो आपको 5,000 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल जाएगा। अब इन दोनों में जो खासियतें हैं उनके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन जो डिफरेंस है वो मोटा मोटा बैटरी कैपेसिटी पर है और साथ ही साथ फीचर्स पे है। अब देखो फीचर्स की बात करें तो इस स्कूटर में आपको 93 फीचर्स मिल जाते हैं टोटल अगर आप काउंट करते हो, जो कि आपको इसके एक्सटीरियर, पावर ट्रेन और जो कनेक्टिविटी फीचर्स हैं उन सबको मिलाकर। लेकिन अब इन स्कूटर्स में क्या कुछ खास मिलता है तो अगर आप इसका डिज़ाइन देखते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा एरोडायनेमिकली कंपनी ने डिज़ाइन किया है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर लाइट्स वगैरह देखते हो तो यहाँ पर LED लाइट्स मिल जाती है। हालांकि ये जो बल्ब है ये आपको हेलोजन मिलता है। इसके अलावा फ्रंट एप्रन अगर आप देखते हो तो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश और सुंदर नज़र आता है। व्हील्स की तरफ अगर आप नज़र मारते हैं तो यहाँ पर आपको 10 इंच के व्हील्स मिल जाते हैं। हालांकि स्टील व्हील्स हैं, आपको कोई भी एलॉय व्हील्स यहाँ पर ऑफर नहीं किए जा रहे, सेम इसमें भी आपको वैसे ही दिए जा रहे हैं। अब इसकी क्या कीमत होगी इस बारे में अभी कंपनी ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन आने वाले वक्त में आपको पता चल ही जाएगा कि इसकी कीमत क्या होने वाली है। बाकी अगर आप साइड प्रोफाइल पूरा देखते हैं तो लगभग इसका जो व्हील बेस है ऑलमोस्ट 1340 mm का व्हील बेस मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको 145 mm का मिल जाता है और ये जो फ्रेम है काफ़ी लंबा फ्रेम है और जो बैटरी रखी गई है पोजिशन वो इसके नीचे रखी गई है। बाकी अगर आप यहाँ पर ये जो राइट पोजिशन है ये आप देखते हो तो जो सीट हाइट है वो आपको काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है और काफ़ी हल्का ये स्कूटर नज़र आता है। ऑलमोस्ट 100 किलोग्राम इसका वेट है। अब ये जो LXS G 3.0 है इसमें आपको 3 kWh का बैटरी पैक मिल जाता है, जबकि 2.0 में आपको 2.3 kWh का बैटरी पैक मिल जाता है। और अगर हम रेंज की बात करते हैं तो इसमें आपको लगभग 105 km तक की रेंज मिल जाती है सिंगल चार्ज पर और उसमें आपको 80 km तक की रेंज मिल जाती है। अब ये लो स्पीड स्कूटर्स हैं तो लो स्पीड स्कूटर्स में आपको जो स्पीड है वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। अगर आप तेज चलाते हैं 60 km/h तक की आपको स्पीड मिल जाती है, सेम उसी में ही। बाकी जब इसकी राइड करेंगे तब आपको बता ही देंगे। बाकी जो स्विचेस वगैरह हैं इनकी अगर आप क्वालिटी देखते हो तो वो आपको ठीक ठाक मिल जाती है और यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको प्रॉपर डिजिटल मिलता है और इसमें आपको तमाम जानकारी मिल जाती है, चाहे आप बैटरी से रिलेटेड देख लो, रेंज से रिलेटेड देख लो, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, हर चीज़ की आपको जानकारी मिल जाती है। अब इस स्कूटर को आप अपने स्मार्टफोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। एक ऐप है, उसे अगर आप स्मार्टफोन में अपने डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर आप इस स्कूटर को कनेक्ट करके तमाम जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं जो कि आपको जियो फेंसिंग से रिलेटेड या फिर जो कनेक्टेड फीचर्स हैं उनसे रिलेटेड आपको मिल जाती है। बाकी सीट अगर आप देखते हो तो ये बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, अकेला इंसान तो इस पर बैठकर आराम से चल सकता है, लेकिन अगर पिलियन पीछे कोई बिठाओगे, आप किसी को बिठाते हो तो हो सकता है वहाँ पर उतना ज़्यादा वो पिलियन राइडर कम्फर्टेबल ना हो पाए। बाकी यहाँ पर आपको स्टोरेज स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है और साथ ही अगर आप यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर आपको एक टाइप ए USB पोर्ट दिया जा रहा है ताकि आप अपना स्मार्टफोन चार्ज कर सके। बाकी SOS का बटन मिल जाता है। बाकी जो राइड मोड्स हैं उन्हें स्विच करने के लिए यहाँ पर एक बटन दिया जा रहा है। बाकी इसका बूट अगर आप ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है, बहुत अच्छा खासा आप नहीं कह सकते। हालांकि ये जो बूट स्पेस है इसे घेरने का काम कर रहा है ये चार्जर, जिसे आप 18 एम्पेयर सॉकेट से चार्ज कर सकते हैं और लगभग 3 घंटे में ये 0 से 80% तक स्कूटर चार्ज हो जाता है। बाकी यहाँ पर आप ये ग्रिप रेल देख सकते हैं और जो इसकी मजबूती है वो भी आपको काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। देखो इलेक्ट्रिस LXS G 2.0 या फिर 3.0 के अगर आप रियर प्रोफाइल पर देखते हैं तो यहाँ पर भी अगर आप ये वाला जो डिज़ाइन देखते हैं ना ये भी काफ़ी एरोडायनेमिकली नज़र आएगा, लेकिन इसके अंदर ये जो टेल सेक्शन है या जो लाइट आप यहाँ पर देख रहे हो ये आपको भले ही LED जैसी डिज़ाइन के साथ नज़र आए लेकिन इसमें आपको बल्ब दिए गए हैं, इंडिकेटर्स भी आपको बल्ब मिल जाते हैं, जो टेल लाइट है उसमें भी आपको बल्ब मिल जाता है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर भी आपको जो मोटर है वो BLDC हब मोटर दी गई है और इस मोटर के अगर हम पावर आउटपुट की बात करें तो लगभग 3 BHP के आसपास आपको पावर मिल जाती है और 110 Nm टॉर्क मिल जाता है, वो भी सिर्फ मोटर का। पूरे व्हीकल का टॉर्क कितना है फिलहाल इसके बारे में जानकारी नहीं है, मोटर का टॉर्क है तो। और सस्पेंशन की अगर आप बात करते हो तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक, रियर में आपको ट्विन शॉक्स मिल जाते हैं जो कि राइड क्वालिटी आपको ठीक ठाक ही ऑफर करते होंगे। खैर जब हम इसे चलाएंगे तब आपको बता ही देंगे कि किस तरीके से राइड क्वालिटी आपको दी जा रही है। बाकी अगर आप देखते हैं तो इस स्कूटर में बेस्ट पार्ट ये है कि थोड़ा सा नहीं प्रैक्टिकल नज़र आता है। प्रैक्टिकल कैसे नज़र आता है कि अगर लंबा व्यक्ति इस स्कूटर को चलाने की कोशिश करेगा या चलाता है तो उसके लिए ना यहाँ पर लेग स्पेस काफ़ी अच्छा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं वो काफ़ी आगे तक पैर रख सकता है। बाकी थोड़ा बहुत अगर उसे सामान वामान रखना है तो
यहाँ पर हुक दिए गए हैं, यहाँ पर भी दिया गया है, और यहाँ पर खैर चार्जिंग का ये पोर्ट है, यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सामान वगैरह टांग सकते हैं, और बाकी अगर आपको सिलेंडर वगैरह रखना हो तो वो भी यहाँ पर फिट हो जाएगा, क्योंकि ये जो लेग स्पेस है ये काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। तो ओवरऑल यही सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इसमें देखने को मिलती हैं। बाकी जो LXSG 2.0 है उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें कम देखने को मिल जाती है, जैसे कि पावर आउटपुट की भी अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा कम टॉर्क देखने को मिल जाता है, मोटर थोड़ी सी कम पावर जनरेट करती है, बाकी रेंज वगैरह है वो भी आपको कम मिलती है। और इसकी कीमत मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, 1,03,000 रुपये है इसकी कीमत, और 5,000 रुपये आपको इनिशियल डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप अगस्त तक इसे खरीदते हैं। इसकी कीमत अभी नहीं आई है, जल्द ही इसकी कीमत भी आ जाएगी, तब हम आपको बता ही देंगे कि इस स्कूटर की कीमत क्या है। तो ओवरऑल आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, साथ ही अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जिनका बजट 1,00,000 रुपये के आसपास है और एक ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर की तलाश में है